नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको राशन कार्ड की लिस्ट, पूरे भारत की जो नई लिस्ट आ चुकी है 2018 की, वो आप कैसे देख सकते हैं उस बारे में मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी, लेकिन वो बहुत सारी ऐप्स आपको बता देते हैं डाउनलोड करने के लिए, और उनमें आपको निराशा हाथ लगती है जब उनके अंदर कई स्टेट्स का जो है डिटेल आपको नहीं मिल पाती। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से भारत में किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की आप लिस्ट देख सकते हैं राशन कार्ड की, जो नई लिस्ट आ चुकी है। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको अपना फ़ोन का गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैंने गूगल ब्राउज़र अपना ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है फाइंड राशन कार्ड ऑनलाइन, ठीक है, आपको ये टाइप करना है। नहीं तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर लिखिएगा फाइंड राशन कार्ड ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो पहले नंबर का जो लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है, लेकिन उस लिंक पर आप ध्यान दीजिए, नीचे जरूर पढ़ लीजिएगा services.india.gov.in, ठीक है। किसी ऐड पर आप क्लिक मत कीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, आपको भी इसी तरह से क्लिक करना है। अब ये हमारी सरकारी साइट है जो हमें पूरा डाटा प्रोवाइड करेगी, पूरे भारत की जितने भी राशन कार्ड की जो बेनिफिशरीज लिस्ट है वो सारी हमें बता दी जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ हमारे साथ आप बने रहिए ताकि आपको पूरी जो जानकारी है इस लिस्ट से संबंधित वो आपको मिल जाए। क्योंकि आप बीच बीच में अगर वीडियो स्किप करेंगे, या फिर अगर आप मान लीजिए इसको छोड़कर आप चेक करने चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो हैं हो सकता है समझ में ना आए, तो आप इसलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब इस तरह का पेज एक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको ये पहले नंबर का ऑप्शन दिख रहा है चेक राशन कार्ड डिटेल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं किसी ऐप के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सरकारी यहाँ पर साइट खुल चुकी है। अब यहाँ पर हमें राशन कार्ड कैसे अपना चेक करना है, किस स्टेट का चेक करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए आपको ये ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए PDS बेनिफिशरी रजिस्टर, देखिए ये आपको दिख रहा है ये ऑप्शन। मैं इसको थोड़ा जूम आउट भी करता हूँ, देखिए ये आपको दिख रहा होगा बीच में PDS बेनिफिशरीज रजिस्टर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक सेकंड, देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ये आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है राशन कार्ड डिटेल्स और दूसरा ऑप्शन है राशन कार्ड की एप्लीकेशन पता करना, उसके स्टेटस का। तो आपको अगर राशन कार्ड की डिटेल देखनी हो तो पहले नंबर पर आप क्लिक कर दीजिए। मैंने भी यहाँ पहले नंबर पर क्लिक कर दिया है, आप भी इसी तरह से कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस स्टेट की आपको देखनी है। देखिए आप यहाँ पर पूरे भारत की आपको लिस्ट नज़र आएगी, किसी भी स्टेट की चाहे आप देखना चाहते हो। बहुत सारी ऐप्स आपको बता दी जाती है यूट्यूब पर, जिसमें कई जो स्टेट होती हैं, जो बड़ी बड़ी स्टेट हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल नहीं मिल पाती। अब देखिए यहाँ पर बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी वगैरह, आपको सबका यहाँ पर सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो अब मैं आपको किसी एक स्टेट का आपको चेक करके बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए ये बिहार पे मैं टच कर देता हूँ, आप अपने स्टेट पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप पहले नंबर पे मत कीजिएगा, आपको यहाँ दूसरे नंबर पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दूसरे नंबर पर, देखिए इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा राशन कार्ड डिटेल्स, देख सकते हैं आप। देखिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं आपको बहुत ही आराम से ये समझा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ पाए, क्योंकि हमारे बहुत से जो भाई बहन हैं वो ज़्यादातर कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही आराम से इसको समझा रहा हूँ। अब जैसे आप उस पर राशन कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो ढूंढ लेना है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ये भागलपुर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ भागलपुर पर। आपको अपने स्टेट पर, अपने डिस्ट्रिक्ट पर पहचान कर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए और अगर गलती से क्लिक हो भी जाता है तो आप यहाँ पर देखिए बैक का जो ऑप्शन है, बैक बटन पे आप क्लिक करके वापस पिछली लिस्ट पर भी जा सकते हैं। अब भागलपुर में आपको अपनी तहसील या जो भी तालुका है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी लगती होगी। तो अब मैं यहाँ पर चलिए ये गोपालपुर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप ठीक ठीक अपनी ही सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बताया जाता है, देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा जो भी आपके आसपास के जो राशन कार्ड के जो दुकानदार जो होते हैं,
आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जो दुकानदार हैं उनके नाम बताए जाते हैं, ठीक है। आपको अपने आसपास के राशन कार्ड की तो पता रहता ही है दुकानों का, तो उनके दुकान वालों का जो ऑनर होते हैं, जो दुकान के जो नाम होते हैं, तो उसका नाम आपको बताया जाता है। यहाँ पर आपको अपने दुकान वाले का नाम यहाँ पर सर्च करना है। अपना नाम आप देख लीजिएगा, जो भी आपके आसपास का जो एरिया लगता है दुकान वाले का, आप उसका नाम यहाँ पर देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, और उसके सामने जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं उस नंबर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। ये दुकानदार का नाम जो है उसको पहचान कर उसके सामने वाले नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके नंबर पर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए किसका राशन कार्ड बना हुआ है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपके हेड ऑफ द फैमिली जो हो, जिनके नाम पे जो राशन कार्ड है उनका नाम, प्लस यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर सामने मिल जाएगा। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं। फिर अपना आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर अपना नाम देख लीजिएगा, उसके आगे आपका राशन कार्ड का नंबर होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आप राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो पूरी डिटेल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ मिलेगी, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका मदर नेम, फादर नेम, कितने लोग हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसे आप चाहें तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए आपके यहाँ पर नीचे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये एक तरह का आपका मिनी राशन कार्ड भी है। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से अपने राशन कार्ड की पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा जरूर हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।